जब अपना देश 786 साल तक मुसलमानों के गुलाम था और मुसलमान हमारे पूर्वजों को मुद्दे पटक पटक करके उनके पिछवाड़े पर जब डंडे मारते थे, बैंत मारते थे, जब एक में भी माता नहीं आई, एक में भी हनुमान जी नहीं आए, एक में भी काली नहीं आई, एक में भी भूत नहीं आया, और 200 साल तक अंग्रेजों ने मुद्दे पटक पटक के खूब छेते हैं, दिल्ली के दरबारों से लेकर के राज्य जहां पर बसे हुए हैं अभी, इन सभी जगहों पर हमारे पूर्वजों को कितने विदेशी आक्रांताओं के द्वारा किन किन मौत और बेढंगी जीवन दिनचर्या जीने के लिए बाधित किया गया। एक में भी काली पीली धोली लाल माता वारली भितरली हनुमान कुछ भी नहीं आया। उस समय ज्यादा जरूरत थी ना, जब गुलामी का कालखंड था, विपरीत स्थितियां थी, विदेशी आक्रांताओं का यहाँ जलजला दबदबा और मारकाट थी, जब हनुमान जी की ज्यादा जरूरत थी कि नहीं थी। लेकिन लोगों की थाली में जब अब रोटड़ी खा के जब टुकड़ा बचने लग गया, अब लोगों में माता आ रही है। कैसे जांच करें किसमें माता आएगी? आप मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार, कैसे जांच करोगे कि किसी के अंदर माता आई हुई है? जिसमें माता आई हुई हो, सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आपके आसपास किसी में माता आने की कोई बात हो रही हो तो उसको पकड़ो और नजदीकी किसी भी चिड़ियाघर में ले जाओ, वहां शेर होता है। अगर उसमें माता होगी तो वो शेर पर चढ़ जाएगी पिंजरा कूद के, वरना शेर ना तो उस पर चढ़ना ही चढ़ना है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं मेरे अंदर हनुमान जी आगे बालाजी आगे, ऐसे ऐसे करते हैं, पहली बात तो बालाजी कोई सप्रिंग को नहीं जो तेरे अंदर आ गया, तू ऐसे करने लग गया, सही बात है। और दूसरी बात, अगर किसी के अंदर हनुमान जी आते हैं वो ऐसे ऐसे करता है, तो भाई तू ऐसे ऐसे नहीं, छात से कूद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज के बारे में हमने ये सुना है, जाना है, पढ़ा है पुराणों के अंदर, पौराणिक लोग और पौराणिक सृष्टि के जो लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि हनुमान जी पहाड़ लेके उठते थे। तो जिस आदमी में हनुमान जी आते हैं उसको किसी नजदीकी पहाड़ के पास ले जाएं और कहें हनुमान जी पहाड़ लेके उठते थे, तेर में आ रहे हैं, मौका पड़े तो शाम वाले पहाड़ को उठा के कोथ में धर दे, भी क्या दिक्कत है, हमने भी पहाड़ के पत्थर की आवश्यकता है, भी पहाड़ लेके उठ जे या पहाड़ उठा के दिखा दे, जब तो हम मान जाएंगे। तू आज तक हनुमान जी महाराज ने कभी किसी को झाड़ा नहीं लगाया, आपने रामायण देखी होगी, किसी को हनुमान जी ने झाड़ा लगाया नहीं, राम जी ने झाड़ा लगाया, किसी और देवी देवताओं ने झाड़े फूंक करी या तंत्र विद्या करी, नहीं ना। कृष्ण जी ने झाड़ा लगाया, महाभारत देखो कुछ भी नहीं किया ना। हनुमान जी ने जिंदगी तो किसी का झाड़ा नहीं लगाया, अब इन बीड़ी पीणियां में, दारू पीणियां में, सिगरेट पीने वालों में, नशेड़ियों में, सेवड़ों में हनुमान जी आगे झाड़े लगाए, ये कितनी तुच्छता और नकली बातें हैं, समाज को भ्रमित करने के सिवाय ये और कोई कुछ भी नहीं है। इन लोगों की जांच करें, और इनकी जो ये झूठी चौकी लगाते हैं, कोई गोरखनाथ की चौकी लगाता है, कोई हनुमान जी की चौकी लगाता है, इन चौकियों की शिकायत पुलिस चौकी में करा दो, जब पुलिस वाले इनका जूत मारा ना, तब एक में भी कुछ नहीं पांदा। जो देवी देवताओं के आने का वो ढोकोंसला करते हैं ना, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, जब एक में कोई देवता या भूत प्रेत मिलता ही नहीं।